सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको वन क्लिक में आपके सारे के सारे डाटा को आपके किसी भी फोन से किसी भी फोन में आपको ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल, आप एक नया फोन लिए हैं और आपके पास एक पुराना फोन है जिसमें सारा डाटा आपका है और आप चाहते हो कि उसका सारा डाटा का बैकअप मैं नया फोन में लूं, तो आप ये सब कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और ये एक आपको पॉसिबल है वन क्लिक में ही। तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रसाद और आप देख रहे हैं सीखे ऑल इन हिंदी। जी दोस्तों, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। आप यहाँ पे मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर विंडो के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइन मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे आपको बेस्ट वे यह है कि आपको यहाँ पे 3500 प्लस पॉपुलर डिवाइस में ये सपोर्टेड है। तो आपको इसे डाउनलोड करना है और सिंपल सा आपको स्टेप है, उसे आपको फॉलो करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो फोन टू फोन ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि दो फोन को कनेक्ट करके आप अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टोर करके रखे हैं अपने मोबाइल का डाटा, अपने डेस्कटॉप में रखे हैं या फिर आप अपने पीसी में रखे हैं या फिर कहीं ऑनलाइन स्टोर करके रखे हैं, तो वहां से भी आप इसे बैकअप कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको मोबाइल ट्रांसफर का सबसे पहले ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने डाटा सेव करके रखे हैं अपने पीसी में तो वहां से आपको मिल जाता है। आई क्लाउड से भी आपको यहां पे मिल जाती है। अगर आपने आई ट्यून में, ब्लैकबेरी में, वन ड्राइव में, जहां भी आपने अपना डाटा को सेव करके रखा हो वहां से भी आप कर सकते हैं। बैकअप टू फोन, आप अपने फोन का डाटा अपने बैकअप ले सकते हैं पीसी में, कंप्यूटर में। इरेज योर ऑल ओल्ड फोन, ये तो ऑप्शन आपको मिल जाता है आपके मोबाइल में भी, लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं कर पाते हैं, लॉकेट फोन है, तो आप यहाँ से आप उसे इरेज कर सकते हैं। तो ये आपको काफी अच्छा फीचर दिया है। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बैकअप ले लेते हैं। ये बता रहा है कि आपको इन सभी स्टेप को फॉलो करना है तभी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम ये सब ऑप्शन को अपने मोबाइल में कर लेते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट के सेक्शन में जाना है। अबाउट के सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ड्यूल नंबर पे 5 से 7 बार आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो आपका एक डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और इस डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे आपके आपको डिबगिंग मोड को ऑन कर देना है। तो इसे आप ऑन कर देते हैं तो आपका ये स्टेप फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे ऑन हो चुका है, ये यहाँ पे ओके का ऑप्शन मांग रहा है, तो चलिए हम इसे ओके कर देते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे सारे जितने भी हमारे मोबाइल में डाटा है सारे के सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो गए और मैं यहाँ पे चाहूंगा तो एक मिनट में, एक क्लिक में सारे के सारे डाटा को यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में सेव कर लूंगा। तो चलिए हम इसे स्टार्ट ट्रांसफर पे क्लिक कर लेते हैं। जी दोस्तों, हम यहाँ पे स्टार्ट ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा जितना भी होगा वो सारा का सारा अपने डेस्कटॉप में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके डाटा के हिसाब से आपका ये टाइम लेगा, आपके फोन में कितना डाटा है वो उस हिसाब से आपका टाइम लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे WhatsApp, जितने भी आपके मोबाइल में डाटा होंगे सारे के सारे यहाँ पे आपको बैकअप आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितने भी डाटा थे वो सारे के सारे बैकअप हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारा जहाँ पे डाटा सेव हुआ है वो यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे डाटा सेव हो चुका है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे, वंडर शेयर, मोबाइल ट्रांस एंड बैकअप। तो इस तरह से आप अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बैकअप को फिर से आप रिस्टोर करना चाहें तो इस पे अगर क्लिक करते हैं और इसके बाद इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से आप अपना डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है आपके फाइल को, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फाइल यहाँ पे आपको शो हो जाता है और जितने आपने फाइल ट्रांसफर किए थे उतने आपका शो हो रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने डाटा को बैकअप ले सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही बेस्ट वे है अपना डाटा को बैकअप लेने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर यहाँ पे लाल बटन पे क्लिक कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप अगर इस घंटी को अनेबल कर देते हैं तो आपको लाइफ में आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियो रोजाना लाते रहता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।
We'll be right back.